हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की ओर से आंतरिक सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें सेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने पर कई लोगों के मरने की सूचना दी गई थी। जिला कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर बोमादादा रोड पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना पुलिस विभाग सहित लगभग सभी विभागों को दी गई थी, जिसके तहत जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और पुलिस जाब्ते के अलावा चिकित्सा दल, फायर ब्रिगेड को भी मौके पर बुलाया गया। इस घटना को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारी या कर्मचारी जो देरी से पहुंचे हैं, उनको लेकर भी पुलिस और जिला प्रशासन एक सूची तैयार कर नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। एक बार तो लोगों में भी हड़कंप मच गया, मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। ये आज हमने जिला प्रशासन की ओर से आंतरिक सुरक्षा का पूर्वाभ्यास किया था। कंट्रोल रूम से सभी विभागों को सूचना भेजी गई थी कि सेना का एक हेलीकॉप्टर बोमादड़ा रोड स्थित जो आश्रम है उसके नज़दीक बिजली के तारों से टकरा करके एक सवारी जीप को ऊपर गिर चुका है, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई है। यह सब हमने एक पूर्वाभ्यास किया था। एक अलग सरकार की जो विभिन्न एजेंसियाँ हैं उनको रेस्पॉन्स टाइम क्या है और कि हम बिल्कुल समय क्या क्या इसमें हमको जो पूर्वाभ्यास में हमें जो रिपोर्ट बनेगी इसकी, उसके बाद हम इसका दोबारा समीक्षा बैठक करेंगे। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।